Hey guys, it's me Langum with my another vlog. Welcome back to my YouTube channel. It's Langum Official. पिछले बार जो मैंने आपको मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था उसमें मैंने आपको पटेल मार्केट और फिर कपड़ा मार्केट जो मैंने एक्सप्लोर किया था उसके बारे में दिखाया था. बेसिकली हुआ क्या कि हम उसके अलावा भी एक जगह गए थे, वो था 22 अनिल पेट शॉप. तो क्या हुआ क्या कि मेरा जो व्लॉग था वो बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहा था, तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा लंबा व्लॉग तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब कि फर्स्ट व्लॉग है. तो मैंने सोचा कि मैं उस ये वाला जो 22 वाला पोर्शन है उसको नहीं दिखाऊं आप लोगों को. तो वो वाला जो पोर्शन है वो मैं आज दिखाने वाली हूँ कि हम पेट शॉप क्यों गए थे और हमने वहाँ पे वहाँ से क्या लिया, क्या क्या रहा. तो वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ वीडियो में बने रहना पड़ेगा. तो फिर चले, अभी हम तीनों पेट शॉप जा रहे हैं. यहाँ देखिए मेरे दोस्तों, और ये मुझे देखिए, मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई है. उनके पास बहुत सारे तोते भी हैं. हम गलत जगह आ गए हैं. इन अंकल का शॉप है यहाँ बाइक में. अभी हम अब पैदल चल के जा रहे हैं, यही सामने ही है पेट शॉप. देखते हैं, वो दोनों आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे से आ रही हूँ. देखते हैं अब चल चल के जाएंगे, देखेंगे कहाँ जैसे है. हम आधा घंटे से मतलब घूम ही रहे हैं पर हमें पेट शॉप नहीं मिला. अब देखते हैं, पता नहीं कहाँ जैसे होगा. काफ़ी ज़्यादा गूगल मैप पे सर्च मार मार के थक गए, बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं. पहले ऑटो वाले भैया ने हमें गलत जगह छोड़ दिया, मतलब उन्होंने हमें वो पंछियों वाले जो शॉप नहीं होते जहाँ पे तोता मैना अनोली वगैरह मिलते हैं. फाइनली अब मुझे लग रहा है कि हम पहुँच चुके हैं. अभी देखते हैं अगर हम पहुँच गए तो चलो आप लोगों से मिलते हैं. ओह मिल गया. अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ये रहा पेट शॉप, अनिल पेट शॉप. सिर्फ एक ही बिजली है, वो भी ये है पर्शियन वाला. हमें लगा बहुत सारा होगा, हम इतना मतलब कि आधे घंटे से घूम ही लेंगे शॉप को ढूंढने के लिए. आपको पता है वैसे काफी प्यारा है, काटती नहीं है. इसकी आंखों को क्या हुआ है? नहीं ये आंख दिखाती नहीं रही. देखो इसकी आंखों को, सच में कुछ हुआ है भैया, सच में हुआ है. हमें लगा बहुत सारे जानवर हो गए इस पेट शॉप में, लेकिन फिलहाल ये गिनी पिग और नीचे रैबिट है और उधर भी पर्शियन वाला यही है और कुछ नहीं है यहाँ पे. इतना मतलब मशक्कत किया इस शॉप के लिए.
तीन कितने इयर्स हुए थे? 8-9 years. 8-9 years जियेंगे वो रैबिट? हाँ जी. पक्का? हाँ जी. हमारे उधर तो बहुत जल्दी मर जाते हैं. केयर के ऊपर होता है ना, अगर आप इनकी केयर ना करो तब होता है. मतलब इनका क्या केयर का सिस्टम रहता है? सर्दी से बचाओ, गर्मी से बचा के रखो इनको, नॉर्मल टेम्परेचर. ओह, सर्दी से बचा के रखना पड़ता है. हाँ जी. फिर वो ऊपर गिनी पिग कितना मतलब जियेगा? गिनी पिग का 5 या 6 years. अच्छा, पक्का? गिनी पिग कितने का है? 1000 गिनी पिग. फाइनली एक खरगोश लेने के लिए वो हुआ है. दिखा मेरे को, दिखा यहाँ, दिखा यहाँ, देख क्या है. इसका इसका फेस इधर दिखा, वो बहुत केयर करना पड़ेगा. कुछ नहीं है, नॉर्मल उस पर रखना, बस खाना पानी देना. खाने के क्या क्या चाहिए? वो भी है अपने पास. कुत्ते? लैब्राडोर मिल जाएगा 15,000-15,500 के रेंज. अभी हम तो स्टूडेंट है, हमारे घर वाले. हाँ दिखाओ, डॉग देखना है हमने. चलो देख क्या, इसको भी कौन सा ब्रीड है? लैब्राडोर. अच्छा, लैब्राडोर. कितने बड़े होते हैं ये? तो काफी बड़ा हो जाता है, इतना साइज की है लार्ज. इनकी मम्मी 550 का. फिर ये रहने दो, हम अपने रूम में, वैसे भी इसको इंडिपेंडेंट रखेंगे. पहले हमारे पास था वैसे कत्ते का बॉक्स, दे दो उसमें ले जाना फिर. आप डाल के हमें किसी बॉक्स में दे दो ना. हाँ, अभी एक छोटा सा बॉक्स लेना. बॉक्स दे, एक पेडिग्री का बॉक्स दे. इसका फूड दे दो मैं आपको. हाँ जी, हाँ जी, इसका फूड दे देते हैं. ताते, हे क्यूटी, किसी में यार दिखाओ, ये है दिखाओ. खरगोश के लिए खाना है ये. अभी थैंक यू भैया. अरे देखो कितनी बड़ी है ये तो. वाह, ये बड़े का कितना प्राइस होगा? ये बहुत बड़ी है ना, इतना बड़ा होगा ये भी. बच्चे की तरह है ये तो. ये देखो, शायद बेचारी बोर हो गई अभी. देखो गाइस, ये है पोनियो, पोनियो द ग्रेट. ये बाय करा है हमने. देखो काफी अच्छा है, प्यारा है, बहुत छोटा है. 89 days old है. 89 days old है ये. और अब 90 हो गया, मतलब तो 3 months का हो चुका है ये. और ये काफी ज्यादा शैतान होता जा रहा है दिन ब दिन. आप लोग देख सकते हैं, काफी फैमिलियर होते हैं. ये अभी हम इसको गाजर खिलाएंगे. एक्चुअली इसका नाम पोनियो है, और जो पोनियो जो नाम है वो एक जापानीज एनिमे एक मूवी है, उसने एक फिश कैरेक्टर का नाम पोनियो होता है उसी के बेसिस पे रखा हुआ है. काफी क्यूट होती है वो भी, और ये भी बहुत ज्यादा क्यूट है.
आज मौसम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हवा वाला है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हवा चल रही है। मुझे इतनी मुश्किल से बाहर आया। ये कौन है? अब हम तीनों ने रमन खत्म कर दिया है। ये देखिए दो प्राणी। तो ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को पक्का प्रेस कर देना ताकि कुछ भी मैं कंटेंट पोस्ट करूँ तो आप लोगों को उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर बाय। वैसे आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो फिर चलती हूँ मैं। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग। इसी तरह मैं मतलब कि व्लॉग डालती रहूँगी, आप लोग साथ बनाए रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।